तमाम पार्टियों के द्वारा चुनाव की तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है। पार्टियों के द्वारा बड़े पैमाने पर युवाओं को जोड़ने की कवायद जारी है। जदयू नेता रणवीर नंदन ने आज सैकड़ों छात्र और युवा नेताओं को जदयू में शामिल कराया और यह बताया कि किसी भी आंदोलन में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं के द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि रोज 100 आदमी को पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और नीतीश कुमार को भारी बहुमत से सरकार बनने में सहभागी होंगे। आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में छात्र नेता और छात्र नेत्रियाँ आज जनता दल यूनाइटेड छात्र जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है, तो इन्हें देखते हुए लगता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छात्रों के हित में इस बिहार प्रदेश में जितना काम किया, चाहे वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में हो, चाहे वह स्टार्टअप प्रोग्राम के संदर्भ में हो, चाहे वह स्कॉलरशिप योजना के संदर्भ में हो, चाहे जो इंस्टीट्यूशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर हो, छात्रों छात्राओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उससे इंस्पायर्ड होकर पूरे बिहार में आज बहुत बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएँ जो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र के हैं छात्र जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और आपने अभी देखा कि इन्हें हमारे संगठन के स्पाइनल कॉर्ड राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के नेता और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव उन्होंने अभी इन लोगों को संबोधित किया है, तो निश्चित रूप से हमें यह लगता है कि ये जो छात्र आज ज्वाइन किए और जिन्हें पदाधिकारी बनाए ये निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक जुनून बनाकर काम करेंगे और काम इन्होंने किया भी है और बड़ा से बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा, चाहे वो जेपी आंदोलन हो। आ जाइए अध्यक्ष से पूरे बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी देने के लिए कमर कसे हुए हैं, इसलिए आपने हमें संबोधित किया और इन लोगों का आपने मान बढ़ा दिया। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।